निराई गुड़ाई का काम काफ़ी टफ माना जाता है, लेकिन ये काम तब आसान हो जाता है जब आपके पास आधुनिक उपकरण हो, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो। तो ऐसे ही तमाम तरह की जानकारी कृषि से संबंधित उपकरण पर आधारित ये वीडियो रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पर आधारित रहने वाली है। हम पहुँच गए हैं बिहार के अरवल जिले में, जगह है ये बैदराबाद। ये जहाँ पे हूँ ये किसान कृषि यंत्र की एजेंसी है और यहीं पे पहुँचा हूँ। रंजीत जी हैं, लगभग 7-8 महीने पहले यहाँ का वीडियो आया था पावर टिलर का, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। तो आज उसी संबंधित ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में जितनी भी इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनें हैं वो सब को आज कवर करूँगा, जिसमें हम पावर वीडर, रोटावेटर, चाफ कटर और ऐसे तमाम तरह के जो उपकरण हैं उस पर ही आधारित ये वीडियो रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कीजिए। रंजीत जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। किसान भाइयों को सभी का नमस्ते, प्रणाम। रंजीत जी लगभग 7-8 महीने पहले आए थे और उस समय जो आए थे तो हमने इन पावर वीडर पे ही वीडियो बनाया था, लेकिन अभी जो आए हैं तो काफ़ी आधुनिक मशीनें जो हैं इस बार आपके पास दिख रही हैं। चाफ कटर भी है, पावर वीडर की अलग अलग मॉडल्स हैं और बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं। तो कौन कौन सा अभी जो और कौन कौन से इक्विपमेंट्स अभी आपके पास है, हमारे दर्शकों को एक्सप्लोर करके बताइए। मेरे पास किसान संबंधित हर एक प्रकार के, मेरे पास पावर वीडर, चाफ कटर, आटा चक्की मशीन और उसके बाद अर्थउग्गर जो बांस गाड़ने का लाने वाली खेती में घेराबंदी के लिए आती है, और इसके बाद ब्रश कटर हो गया जो धान गेहूँ जय वगैरह काट सकते हैं। मेरे पास आधुनिक मतलब उपकरण बहुत ज़्यादा हैं, जो किसान भाइयों को उपयोग हो वो अपना मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। सबसे पहला सवाल सर, अभी जो ये मशीन देख रहे हैं क्या है, कितने सीसी की ये पावर वीडर है या क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो हुआ 3 HP का 2-स्ट्रोक इंजन है। ये इसका जो यहाँ पे जो प्राइस है तो हम लोग 22,000-23,000 तक बेचते हैं जस्ट। और उसके बाद जो इसमें जो है इसका काम किसान भाइयों को निराई गुड़ाई के लिए स्पेशलिस्ट है। इसमें हर किसान भाइयों को अलानी की खेती हो गया, जैसे टमाटर, बैंगन, भंटा, मिर्चाई, लौका और कद्दू वगैरह और करेला, ये सब जो हुआ तो निराई गुड़ाई करने का ज़रूरत नहीं है, इसको चला दीजिए, कूड़ा सो आ गया। और इसमें लेबर का कॉस्ट बहुत जीरो है। इसमें 1 लीटर में कम से कम 6 से 7 कट्ठा 2 चास चलती है गाड़ी से। अगर बात करें सर तो ये मिनी पावर वीडर है, तो स्पेशलिस्ट है सब्जियों के लिए। जी सर, ये छोटा जो हुआ किसान भाइयों को सब्जी के लिए स्पेशलिस्ट है। ऐसे रख सकते हैं लोग तो 10 कट्ठा का अपना बाउंड्री वगैरह है बाग बगीचा के लिए, अपना निराई गुड़ाई कर सकते हैं, या कहीं खेत फंस गया हो तो टांग कर ले जाइए, 10 कट्ठा अपना निराई गुड़ाई करके कुछ भी लगा सकते हैं, रोप सकते हैं। ये इसमें कौन सा डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है? ये 2-स्ट्रोक इंजन है, 68 CC का है और ये पेट्रोल इंजन है। मेरे पास जितना प्रोडक्ट है टोटल पेट्रोल इंजन ही है। पेट्रोल इंजन में क्या है, उसका मेंटेनेंस कुछ होता नहीं है, केवल बस पेट्रोल डालिए, इंजन वाले समय पे चेंज करना है और ये फिल्टर कभी कभी साफ कर देना, और कुछ नहीं। कौन सा इंजन वाले इसमें इस्तेमाल होगा सर? इसमें इंजन वाल मतलब जो है कोई भी डाल सकते हैं, वो 2-स्ट्रोक इंजन है। अच्छा। पेट्रोल में ही मतलब 40 ml मिलाकर मिक्स करके और डाल देना है। बस अब बात करते हैं सर कि पिछली बार जो हमने बनाया था पावर वीडर का, उससे कोई अपग्रेडेड आपके पास पावर वीडर है, रोटावेटर है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये मेरे पास जो है अभी ये 7.5 HP का जो इंजन हुआ, ये 7.5 HP में एस राजा का ये ब्रांड है, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। इससे आप अनेकों काम कर सकते हैं, निराई गुड़ाई से लेकर कम से कम 20 से 25 अटैचमेंट लग जाती है, तो इससे आप निराई गुड़ाई और साग सब्जी वगैरह कोई भी काम कर सकते हैं, धान गेहूँ भी रोप सकते हैं कीचड़ कर। और ट्रॉली लगाकर, सामने ट्रॉली है और ट्रॉली लगाकर कम से कम 10 क्विंटल माल भी ढो सकते हैं। हाँ, ये जो गाड़ी हुआ ये इसके बारे में कह रहे हैं 10 क्विंटल वो उस जो ट्रॉली है उसको खींच देगी। जी जी, जितना मतलब ये हम इस पे वीडियो भी बनाए हुए हैं, अपना टोटल मिलेगा मेरा, और इससे जितना यहाँ मशीन हम बेचे हैं 200 से पार में इंजन हम बेच चुके हैं, और यहाँ पे जो बेचे हैं वीडियो जितना मेरा स्क्रीन पे चल रहा है टोटल लोकल चल रहा है, मेरा शोरूम का, कंपनी का नहीं है। ये लोग कहता है कि वीडियो यूट्यूब पर फेक है, ये है वो है, वो नहीं, जिन किसान भाइयों को विश्वास नहीं है
वो मेरे पास आए और चला कर देख लें, समझ लें, उसके बाद ही लें। ये कौन सी मशीन है? ये जो है 10 HP का पेट्रोल ही इंजन है और 125 मॉडल है, ये भी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। अच्छा। इस राजा का ही प्रोडक्ट है। और ये जो हुआ वो 9.5 HP का इंजन है और इसमें ये जो है स्प्रे मैन का है। किसान भाइयों को रहता है कि नहीं हमको स्प्रे मैन चाहिए, कोई कहता है कि नहीं हमको एस राजा का ही प्रोडक्ट चाहिए, तो जिनको जो प्रोडक्ट चाहिए तो किसान भाइयों को ही अनुमति से 2 कंपनी का डीलरशिप हमने लिए। और 2 कंपनी का डीलरशिप लेने से फ़ायदा यह भी मुझे हुआ कि एक कंपनी में अगर किसी इंजन का पार्ट्स नहीं है तो दूसरा कंपनी से अवेलेबल तुरंत करा लेते हैं। अच्छा। किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात आती है रजीत जी, मशीन है तो कहीं ना कहीं कुछ खराबी आ जाती है चल के, तो मान लीजिए जो भी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं अगर मशीन को परचेज करते हैं तो क्या गारंटी वारंटी क्या होगी या किस तरह का सपोर्ट उनको मिलेगा वो बताइए। देखिए एस राजा इंजन पे तो 1 साल इंजन का जो है फुल गारंटी कंपनी भी देती है, हम भी देंगे। स्प्रे मैन पे वारंटी रहती है, लेकिन दोनों का इंजन जो है सेम ही है, कोई दिक्कत मतलब स्प्रे मैन का भी कोई शिकायत नहीं आया और एस राजा का भी नहीं, मतलब इंजन दोनों का है सही है। लेकिन किसान भाइयों को विश्वास के ऊपर है कि क्या कौन कंपनी हम लें, लेकिन किसान भाइयों को मन बना कर आते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, यही कंपनी चाहिए, एस राजा ही लेते हैं। उनको कितना भी बोलिए कि ना स्प्रे मैन तो नहीं ले पाते हैं, स्प्रे मैन का जिनका लेना है वो स्प्रे मैन ही लेते हैं। अपना अपना भरोसा होता है किसी कंपनी पे, अपना भरोसा है। अच्छा रंजीत जी एक चीज़ ये बताइए कि अगर हम बात करें रोटावेटर या मिनी पावर वीडर तो कितने से रेंज शुरू हो जाता है आपके पास? मेरे पास 13,000 से लेकर और 75,000 मतलब 75,000 तक मेरे पास अवेलेबल है। मतलब 13,000 रुपये से आपके पास मिनी पावर वीडर वगैरह मिलने लगेगा जी। और हम ये किसान भाइयों, बिहार के किसान भाइयों को ये भी हम कहना चाहते हैं कि कोई भी ऑनलाइन सामान मंगा लीजिए लेकिन ठीक नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो है शोरूम पे ही आकर ले लें, यहाँ पे देखकर आपको चलाकर सिखाकर ट्रेंड कर आपको समझा कर ही देंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, शिकवा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब ये आटा चक्की मशीन जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये आटा चक्की मशीन जो है आपको 1 घंटा बिजली पर है, 3 HP का सिंगल फेस मोटर है और 3 HP का इसे मोटर लगा हुआ है। इसमें आपको 1 घंटा में कम से कम 50 से 60 KG प्रोडक्शन है इसका, और महीन इसमें गर्म नहीं, आटा गर्म नहीं होगी, और जितना मोटा पतला करने का इसमें जाली लगा हुआ है, और मिक्सर मशीन जैसे घर में होता है वैसे ही ब्लेड लगा हुआ है, चक्की नहीं है इसमें। अच्छा, और घंटे का प्रोडक्शन क्या बताया? 50 से 60 KG 50 से 60 KG जी। और ये जैसे चाप कटर है, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो पशुपालन वगैरह किए हुए हैं तो उनको चाप कटर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या इसकी खासियत है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ये जो चाप कटर है वो मोटर पे ही चलती है, और इसमें चाप कटर के लिए हरा चारा काटने के लिए सूखा भी चारा कट सकता है, जो 2 पशु या 4 पशु रखे हुए हैं, 2 से 4 पशु उसमें ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, आसानी से चलेगी। कितने HP की मोटर इसमें लगेगी? इसमें 3 HP का ही सिंगल फेस लगेगा। इसमें भी 3 HP का जी जी, और सब सिंगल फेस पे है जी, सिंगल फेस पे। घरेलू जो बिजली हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पे ये चलेगी जी जी, घरेलू कनेक्शन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए ही है सब। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये अर्थहुगर हुआ, ये 63 CC का इंजन है, इसमें किसान भाइयों को अब लेबर को मिलता नहीं है, हर जगह लेबर कॉस्ट हो चुका है, तो इसमें इसको गड्ढा खानने के लिए, घेराबंदी करने के लिए और अलान का खेती करने के लिए इसको ये मार्केट में बहुत अच्छा पकड़े हुए है और नंबर से ये बिक रही है। इसमें पर 2.5 फीट गड्ढा खनने का और 6 इंच मतलब चौड़ा करने का मात्र पर गड्ढा 1 रुपया प्रति खर्चा होता है, मात्र 1 रुपया। क्या रेंज, क्या प्राइस इसका होगा? इसका इसमें 52 CC मिल जाएगा, 63 CC मिल जाएगा। इसमें प्राइस आपको 63 CC का आपको 17,000 रुपया तक दे देंगे। ये जो हुआ है ब्रश कटर हुआ, धान गेहूँ काटने के लिए, जय वगैरह काटने के लिए, इससे बहुत, ये भी जो ब्रश कटर है इससे एक काम नहीं 200 अनेकों काम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखते होंगे इसके बारे में कितना कितना किसान लोगों का ये मतलब जो कंपनी का डीलर जो है मालिक वो अपना दिखा रहे हैं, वो अनेकों काम कर सकते हैं इससे। लेकिन परस्पर ये जो अभी लगा हुआ अटैचमेंट वो ब्रश कटर है, धान गेहूँ जई वगैरह काटने के लिए। बात करते हैं रंजीत जी, मान लीजिए कि कोई अगर पावर वीडर आपसे लेता है, परचेज करता है, तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स या एसेसरीज उसके साथ आप दीजिएगा? देखिए इंजन जो कंपनी देती है वो भी हम साथ में दे देते हैं, कंपनी का प्राइस से और थोड़ा जो एक्स्ट्रा खर्चा है मुझे इंजन वाल, गियर वाल और इंजन कसने का जो खर्चा गिरता है वो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, और जो कंपनी देती है 2 अटैचमेंट फ्री देती है, 2 अटैचमेंट हम भी फ्री दे देंगे।
लेकिन जो काम करती है रोटावेटर उसके बाद वैसा कुछ नहीं है। तीन फार का हल जो मिलती है अलेवलर, वो किसान भाइयों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग फ्री का सामान खाइए फ्री ही, लेकिन अगर आपको रोटावेटर बहुत अच्छा कारगर है, किसान भाइयों उसी का उपयोग करते हैं ज़्यादा। और ये पावर वीडर वैसा है कि जो बड़ा ट्रैक्टर काम नहीं कर पाएगी वो छोटा मिनी ट्रैक्टर कर सकती है। इसमें किसान अगर एक कोई भी किसान ले लें या कोई भी बेरोजगार लोग ले लें तो पर डे 2,000-2,500-3,000 कमा सकते हैं। इसमें एक लीटर में कम से कम 6 से 7 कट्ठा दो चास का इसका जुताई है, निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और ट्रैक्टर जितना नहीं कर पाएंगे, ट्रैक्टर से 10 चास भी कराइएगा तो रीढ़ ही रहती है, इससे रीढ़ नहीं हो पाती है। साथ ही इंजन चलाने के लिए लोग थक जाएंगे, इंजन कभी नहीं थकती है, दिन रात चला सकते हैं, लेकिन चलाने वाला थक सकता है, इंजन नहीं थकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी बेहतरीन जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ठीक है, नमस्ते, किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों ये थे रंजीत जी, अरवल जिले में हैदराबाद में इनका एजेंसी है और एग्रीकल्चर के A to Z इक्विपमेंट्स जो एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी आधुनिक उपकरण होती हैं सब इनके पास उपलब्ध हैं। वैसे किसान भाई जो निराई गुड़ाई का काम करते हैं या खेती का काम करते हैं तो वो रंजीत जी का नंबर दिया गया है, आप इनसे बात करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि आज अगर मान लीजिए कि आप छोटा एक पावर वीडर भी रखते हैं तो आप इसको रख के भी अपने गांव घर पे रख के 2,000-2,500 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।